नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मैं ज्योति शेखे आज आपनालोकर माजले लई आहिछो पुनर एटा नतुन भिडिओ आज ए भिडिओटोत मैं आलोचना करिबले उलाइछो एचएस सेकेंड इयरर प्री फाइनल एंड फाइनल एग्जामिनेशनत आहिबलगिया पॉलिटिकल साइंस विषयटोर अंतर्गत टू मार्क्सर केतेमान अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर विषय आहकसन पलम नकरी आज ए भिडिओटो आरम्भ करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुई से राइट टू कन्सिक्वेन्सेस अफ इमार्जेन्सी अफ 1975 जरूरकालीन अवस्थार दुटा परिणति लिखा टू मार्क्सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे राइट एनी टू फैक्टर्स रेस्पन्सिबल फर दा इमार्जेन्स अफ रिजनल पलिटिकल पार्टीज इन इंडिया भारत आंचलिक राजनैतिक दल उद्भवर जिको दूटा कारण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन एनी टू आइडियोलजीज अफ भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघर जिकोनो दुटा आदर्श उल्लेख करा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हाट इज ग्रैंड एलायंस इन द कन्टेक्स्ट अफ इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीतिर परिप्रेक्षितत विशाल मित्रता माने कि। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स अफ प्लेनिंग इन इंडिया भारत परिकल्पनार जिकोनो दुटा उद्देश्य लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन टू मेन फीचार्स अफ निउ इकोनमिक पॉलिसी इन इंडिया भारत तर नतुन अर्थनैतिक नीतिर दुटा प्रधान वैशिष्ट्य उल्लेख करा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे गिव टू सजेशन्स टू कार्व कम्युनलिज्म इन इंडिया भारतवर्षत साम्प्रदायिकतावाद रोधर बाबे दुटा परामर्श दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हेन एंड व्हेयर वाज द फर्स्ट नाम सामिट हेल्ड प्रथम गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलनर सम्मिलन केतिया आरु कत अनुष्ठित হৈছিল। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हाट आर द टू मिलिटरी एलायंसेस साइन बाय द USA एंड सोवियत यूनियन उथ देयर रेस्पेक्टिव फ्रेंडलि कान्ट्रीज ड्यूरींग कोल्ड वार शीतल युद्धर समय अमेरिका जुक्तराष्ट्र और सोवियत यूनियने बंधु देश सहित आबद्ध हुआ सामरिक चुक्ति दुखर नाम कि। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन टू मेजर एरियाज अफ इनफ्लुएंस अफ यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघर प्रभाव दूटा प्रधान क्षेत्र उल्लेख करा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हाट इज नर्मदा बचाओ मुभमेन्ट हु वाज द लीडर अफ दिस मुभमेन्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन कि ए आंदोलन नेतृत्व कोने बहन करिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हेन वाज द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास नेम एनी वन स्टेट क्रिएटेड आंडार दिस एक्ट राज्य पुनर्गठन आईन केतिया ग्रहण करा हुइसिल ए आईनर अधीनत सृष्टि हुआ जिकोनो एखन राज्यर नाम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे राइट टू कजेस अफ द इमार्जेन्स अफ कम्युनलिज्म इन इंडिया भारत साम्प्रदायिकतावर उद्भव दूटा कारण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे व्हेन वाज इलेक्शन कमिशन इन इंडिया फर्मड हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के गठन कर भारत प्रथमगढ़ मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया Who introduced 20-point program in India? Why was it introduced? ভাৰতবৰ্ষত কোনে কুৰিদফী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই আঁচনি কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে ৰাইট টু ৰিজনছ ৰেছপনচিবল ফৰ গ্ৰয়িং ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স ভাৰতীয় ৰাজনীতিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধিৰ দুটা কাৰণ লিখা। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे राइट द नेम अफ टू कान्ट्रीज हुईच इमार्ज आउट अफ सोवियत डिस इंटिग्रेशन सोवियत यूनियन विभाजन पिछत सृष्टि हुआ दुखन देशर नाम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन टू इश्यूज अन हुईच इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट भारत और बांग्लादेशर मजद सहयोगिता थका दूटा क्षेत्र उल्लेख करा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन टू सोर्सेस अफ थ्रेट्स टू ह्यूमेन बीइंगस मानव जाति सम्मुखीन हुआ दूटा भाबुकी उल्लेख करा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे नेम्स टू आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स साइन बाय द टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग कोल्ड वार इरा शीतल युद्धर समय दु महाशक्ति स्वाक्षर करा दुखन अस्त्र नियंत्रण चुक्तिर नाम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे राइट टू फीचार्स अफ पार्टी सिस्टेम इन इंडिया भारतीय दलियों व्यवस्थार दूटा वैशिष्ट्य लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिसे मेनशन टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स अफ जवाहरलाल नेहरूज फरेन पॉलिसी জওয়াহরলাল নেহরুর বৈদেশিক নীতির দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ করা। নেক্সট কুয়েশন টু দিছে রাইট টু কনসিকুয়েন্সেস অফ 1977 লোকসভা ইলেকশন
1977 লোকসভা নির্বাচনের দুটা ফলাফল লিখা। নেক্সট কুয়েশনটো দিছে রাইট টু কজেস অফ অরিজিন অফ রিজিয়নেলিজম ইন ইন্ডিয়া, ভারতত আঞ্চলিকতাবাদৰ উৎপত্তিৰ দুটা কারণ লিখা। বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি এই ভিডিওটোত আছিলে এইকেইটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, টু মার্কসৰ প্রি ফাইনেল এণ্ড ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াৰ মাজৰপৰা বহুখিনি আপোনালোকৰ কমন কুৱেশ্চন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পেপাৰত। যিসকলে আজি এই ভিডিওটো চাই আছে সেইসকলে মোৰ এই কুৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু এই কুৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে ফাইনেলৰ কাৰণেও ভালদৰে চাব। ইয়াৰ মাজৰপৰাই কুৱেশ্চনবিলাক আহিব। আপোনালোকে কমপ্লিট যিমানবিলাক পাৰ্ট মই দি থোৱা আছে গোটেইখিনি চালেহে আপোনালোকে কমন পৰাৰ চান্স থাকে। কেৱল এটা ভিডিঅ' চালে আপোনালোকৰ কমন পৰিব বা নপৰিব সেই কথাটো ক'ব পৰা নাযায়, যিহেতু যিমানখিনি টু মাৰ্কছৰ মই ছিলেক্ট কৰি দিম কুৱেশ্চন গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ 25টা কুৱেশ্চন আগবঢ়ালোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু নেক্সট পাৰ্টটোত পাৰ্ট 3ত মই আপোনালোকলৈ পলিটিকেল চায়েন্সৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আগবঢ়াই থাকিম। আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক কুৱেশ্চনবিলাক। আজি যদি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰো সহায় হয়। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে বৰ ততাতৈয়াকৈ কুৱেশ্যনখিনি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, গতিকে দুই এটা স্পেলিং মিষ্টেক হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপোনালোকে নিজেই শুধৰাই ল'ব। বাকী কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ প্ৰায় এনেকুৱাই হ'ব, এইখিনি টু মাৰ্কছৰহে মই দিছোঁ। 4 and 6 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকলৈ পঠাম। আজিলৈ ইমানেই।